हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बारे में। अक्सर बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या है। तो उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि हम इस चीज़ को समझना चाहेंगे एक्चुअली कि अक्सर जब हम अपने क्लोज रिलेटिव से मिलते हैं या फिर हम एक फैमिली गेट टुगेदर में जाते हैं तो या कोई भी रिलेटिव है जो बहुत टाइम बाद हमसे मिल रहे हैं तो वो अक्सर हमसे ये बात बोलते हैं कि तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे लग रहे हो, तुम बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे लग रहे हो, तुम्हारा जो बोलने का तरीका है बिल्कुल अपनी दादी की तरह है, या तुम तो बिल्कुल अपनी नानी की तरह बात करते हो। तो ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस की वजह से, क्योंकि हम फेशियल एक्सप्रेशन से ही नहीं अपने हाव भाव, अपने बोलने के तरीके और बहुत सारी चीज़ों में अपनी प्रीवियस जनरेशन से कुछ हद तक मेल खाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों सेलिब्रिटीज़ को, जैसे कि ये हैं सैफ अली खान और ये हैं एंजेलिना जोली, ठीक है, ये हैं सैफ अली खान और ये हैं एंजेलिना जोली। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि सैफ अली खान के जो बेटे हैं, ये इनके बेटे हैं, तो इन दोनों को देखते ही हम ये बात कह सकते हैं कि यार ये दोनों बाप बेटे हैं, ठीक है। सेम एज एंजेलिना जोली और उनकी बेटी को देख के भी बोला जा सकता है कि ये दोनों माँ बेटी हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इस तस्वीर को देखते हैं तो सैफ अली खान और उनके बेटे को देख के ऐसा लगता है कि ये कॉपी पेस्ट मारा है, एग्जैक्ट फोटो लगती है इन दोनों की, ठीक है। वहीं पे अगर हम एंजेलिना जोली और उनकी बेटी को देखें तो हम ये नहीं बोल सकते कि कॉपी पेस्ट है, लेकिन बहुत हद तक हम बोल सकते हैं 90% जो है फेस जो है इनकी मम्मी से रिजेंबल करता है। तो ये क्यों होता है? ये होता है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस की वजह से, ठीक है। और ये हमारे साथ भी होता है। आप देखना, आप मिरर लेना और अपना फेस देखना, अपने मम्मी पापा या अपने किसी भी ओल्ड जनरेशन को देखना, आपका फेस जो है किसी ना किसी से मैच ज़रूर करता होगा। तो अब हम बात करेंगे कि हेरिडिटी क्या है यहाँ पर। तो अगर हम हेरिडिटी को सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहें तो हम इस प्रकार कर सकते हैं, हेरिडिटी रेफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है जेनेटिक ट्रेट्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो बेसिकली मैं यहाँ पर कहूँगी कि हेरिडिटी जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू जेनेटिक ट्रेट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक ट्रेट्स वह कैरेक्टर्स जो आपको अपने पूर्व जनरेशन, यानी कि बेसिकली हमें तो हमारे माँ बाप से मिले हैं, हमें हमारे माँ बाप से मिले, ठीक है, उनको उनके माँ बाप से और हमारे दादा दादी नाना नानी को उनके माता पिता से। तो ये एक जो पैटर्न है ये चलता आया है, ठीक है। तो ये हेरिडिटी को हम सिंपली बोलें कि अगर कोई बंदा पूछे कि तुम बिल्कुल अपनी मम्मी या पापा में से किसी के जैसे लगते हो तो कहना ऑब्वियसली मैं उनके जैसा लगता हूँ या लगती हूँ। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हेरिडिटी की वजह से, ठीक है। तो ये था हेरिडिटी। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, दैट इज़ अ इनहेरिटेंस। अक्सर हम लोग कन्फ्यूज होते हैं कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं इनहेरिटेंस को डिफाइन करूँ तो इनहेरिटेंस रिफर्स टू पैटर्न इन विच जीन्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यहाँ पर जो बात की गई है ये पैटर्न की गई है जहाँ पर जीन्स का ट्रांसमिशन हो रहा है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में, क्योंकि जीन्स ही हैं जो कि जेनेटिक कैरेक्टर्स को या जेनेटिक ट्रेट्स को एनकोड करते हैं। एक पर्टिकुलर जीन होता है जो आपके आँख के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक पर्टिकुलर जीन होता है जो आपके पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये क्या है? एनकोड किए गए हैं जीन्स के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जैसे कि हमें पता है कि हम ह्यूमंस जो हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास 46 हैं, यानी कि 23 पेयर्स हैं हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर एक ऑफस्प्रिंग है तो मतलब उसको 23 क्रोमोसोम्स अपने पिता से मिलेंगे और वहीं 23 क्रोमोसोम उसे अपनी माता से मिलेंगे। इस प्रकार उसके पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं।
तो आपके पापा के पास 46 क्रोमोसोम्स थे, सेम एज आपकी मम्मी के पास भी 46 क्रोमोसोम्स थे, उनमें से हमारे पास हाफ आए, हाफ क्रोमोसोम्स आए। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि वो कौन से जीन्स थे, 46 क्रोमोसोम्स के ऊपर वो कौन से जीन्स थे, वो एक्चुअली हमें ट्रांसफर हुए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस, कि कौन सा कैरेक्टर हमारे अंदर ट्रांसमिट हुआ। इन सब बातों को डिटेल्स में आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने बात की कि हेरिडिटी क्या है और इनहेरिटेंस क्या है, और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? बच्चे कहते हैं कि मैम हेरिडिटी क्या है, मैम इनहेरिटेंस क्या है, मैम जेनेटिक्स क्या है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कि कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर, ये तो इनहेरिटेंस है, या फिर मैम जेनेटिक्स क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जेनेटिक्स जो है वो ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंस की, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं जीन्स की और उसकी इनहेरिटेंस की। तो बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ कि जो जेनेटिक्स है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन की। अगर ये ना होते तो आज हमें पता नहीं चलता कि हम अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं, या हमारे अंदर कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं। तो उस व्यक्ति विशेष का नाम है ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि से नवाजा गया है, मतलब इनको सम्मानित किया गया है फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली हमें बेसिक कंसेप्ट्स दिए थे। किसके बेसिक कंसेप्ट्स दिए थे? इन्होंने हमें बेसिक कंसेप्ट्स दिए थे जेनेटिक्स के, ठीक है। द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स गिवन बाय ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, पी यानी कि पाइसम सैटिवम यानी कि जो मटर थी उस पर कई वर्षों तक अध्ययन किया था, और उसके फलस्वरूप इन्होंने हमें तीन मेन लॉज दी थी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो उसी के बिहाफ पर हम आगे की जेनेटिक्स की स्टडी को कर पाए थे और बेसिकली कंसेप्ट्स को समझ पाए थे। तो इनका योगदान बहुत बड़ा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया हो कि इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, जेनेटिक्स में क्या डिफरेंस है, और ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल का कंट्रीब्यूशन समझ में आया कि अगर ये हमें बेसिक कंसेप्ट्स ना देते तो आज हम और आप इस तरीके से डिस्कशन नहीं कर रहे होते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इन टॉपिक्स को हम डिटेल्स में अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो एक एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है नई और सरल वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।